प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वतन लौट आए हैं और आज सुबह 10 बजे वो अपने प्रिय मित्र अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने उनके घर जाएंगे। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का निधन हो गया था, लेकिन जिस दिन उनका निधन हुआ था उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहरीन में थे। आज मेरा दोस्त अरुण चला गया। जिस रोज हिंदुस्तान में पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने अंतिम सांस ली, बहरीन में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुख और दर्द से दोहरे पीएम उस रोज भावुक थे। इस बात की तकलीफ थी कि उनका सबसे प्यारा दोस्त दुनिया छोड़ गया और वो उनके अंतिम दर्शन करने के लिए देश में मौजूद नहीं। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मैं इतना दूर यहां बैठा हूं और मेरा एक दोस्त चला गया, एक भारी व्यथा के साथ, दुख के साथ। और ये अगस्त महीना कुछ दिन पहले हमारी पूर्व विदेश मंत्री बहन सुषमा जी चली गई। आज मेरा दोस्त अरुण चला गया। लेकिन पीएम के भीतर इस बात की कसक बाकी रह गई। यही वजह है कि 3 देशों की यात्रा करके और G7 सम्मेलन में हिस्सा लेकर वतन लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सबसे प्यारे दोस्त दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने उनके घर जाएंगे। पीएम मोदी यहां अरुण जेटली के परिवार से मुलाकात करेंगे और अरुण जेटली की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। भीतर एक गहरा शोक, एक गहरा दर्द, मैं दबाए करके आपके बीच खड़ा हूं। विद्यार्थी काल से जिस दोस्त के साथ सार्वजनिक जीवन के एक के बाद एक कदम हम मिलकर के चले। वाकई पीएम मोदी के खास दोस्त थे अरुण जेटली। इस दोस्ती पर वक्त का रंग कभी नहीं चढ़ा। कर्मपथ कोई भी हो, नियति ने जो भी रोल दिया दोनों ने ही पूरी शिद्दत से निभाया। दिल्ली के एम्स में जब अरुण जेटली ने आखिरी सांस ली तो जैसे ही बहरीन में मोदी को इसकी खबर मिली, उनके सामने सबसे बड़ा धर्म संकट था। एक ओर भाई जैसे दोस्त को आखिरी विदाई देने की घड़ी, तो दूसरी ओर पीएम पद की जिम्मेदारी। बड़ी दुविधा की पल है मेरे सामने। एक तरफ कर्तव्य भाव से बंधा हुआ हूं, दूसरी तरफ दोस्ती का एक सिलसिला भावनाओं से भरा हुआ है। मैं आज बहरीन की धरती से भाई अरुण को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं। नरेंद्र मोदी के लिए अरुण जेटली खास दोस्त थे, एक ऐसा दोस्त जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनकी कमी उन्हें शायद हर भूमिका में खलेगी, जिनकी सलाह की कमी को शायद हमेशा महसूस करेंगे। नरेंद्र मोदी, आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।